बोलूं, 10 मिनट के लिए थोड़ा आप लोग भी फ्रेश हो जाइए, जब तक मैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके आता हूँ। अरे हम लाश लाके यहाँ से आए हैं और मोटे राम को साथ ही लेके जाएंगे। हाँ अबे बहरा क्या बे,
सुना नहीं कहा तो दिया पंडित मोटेराम शास्त्री घर में नहीं आए। हमें सुना तो था पर हमका शक है। सबके बच्चे हम पूछते हैं मोटेराम जी आखिर कहाँ गए? अबे तेल लेने गए यार। हम भी वही जाएंगे। अरे सुना नहीं क्या? हाँ नहीं सुना। अरे नाटक यहाँ से ना आए हैं? हाँ नाटक यहाँ से। क्यों भाई तुम लग लग सब कैसे हो? क्या सराब खुद तो बहिरा है और दूसरों का बहिरा कह दिया हमें। सारा जवाब काल नहीं दे रहा हो। हम पंडित मोटेराम शास्त्री बोल रहा हूँ। शास्त्री स्पीचिंग ही और वर्दी और बड़े लाट साहब ने आपको बुलावा भेजा है। अजी सुनती हो लाट साहब ने आपको बुलावा भेजा है? हाँ तो पूजा तो पूरी कर रहे हैं। तुम भी कमाल करती हो जब लाट साहब का आदमी आया तो कौतिक में बैठ के पूजा कर लूं। अरे तो लाटे ना आया है जब दूध तो नहीं ना आया है। अरे लटवा का दूध तो आया ना। तू अजय पड़ जा नानी पर बेटा। हाँ भाई बोलो क्या बात है? बड़े लाल चौका सलाम कहलवाई ने महाराज। अच्छा 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 कुछ बताया क्या बात है? हाँ ये तो कुछ नहीं बताया पंडित जी, बस कहे कि मोटे राम जहाँ कहीं साथ ही लेके आ जा। लास्ट टाइम में बुल्ली वाले के लिए हर क्या भेजा है? कुछ बताया नहीं क्या काम है? नहीं नहीं महाराज। अरे राजा लालचंद और खान बहादुर महबूब अली जी आपकी राह देखे। राजा जी और खान बहादुर भी आज चंद्रमा कुछ बोली जान पड़ते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा अनुष्ठान होगा। अरे हाँ वाइसराय जो आ रहे हैं ना, हो सकता हूँ उनसे मिलवाना चाहते हैं। अच्छा तुम लोग जो बैठो मैं जरा कपड़े चेंज करके आता हूँ। चेंज कर ले। अभी पर तरस आता है कभी कभी। इधर लाट साहब ने हमको बुलावा भेजा है, उधर राजा जी और खान बहादुर हमारा इंतजार कर रहे हैं और तुम कहती हो मैं घंटा भर बैठ भोजन करूं। हाँ तो मेरा का है, जब भोजन का पेरा होगा और पेट में चूहा ना उछलेगा तब ना पता पड़ेगा। तूने लास्ट आपको गाउजी समझ के रखा क्या? अरे भोजन का समय बुलवा रहे हैं तो खाने पीने का प्रबंध नहीं किया होता? चलो भाई चला लगा तो नहीं दो रुपल्ली तो दे जाइए पंडित जी। अरे बेटा चंदा लाल साहब के यहाँ से लौटा ना फिर ले रहे थे दो रुपया। बूढ़ बाप कहीं का बूढ़ बाप लाल साहब का मतलब समझता रे। अभी तो हम यह समझने की कोशिश कर रहे पंडित जी की जगह से। ये तो आपका फर्ज है।
जाके ढूंढोगे तो पंडित मोटेराम शास्त्री का जवाब तो ही नहीं मिलेगा। जब दिमाग में नहीं समाती तो सीधी जिस्म में आ जाती है। भाई हमने तो बुजुर्गों की जबानी सुना है कि मोटे आदमी अपने के दुश्मन हुआ। खान साहब आपका हिसाब जरा कमजोर, वरना आपकी समझ में यह बात जरूर आती कि जब अक्ल और जिस्म में 1:10 की नस्बत है तो भाई जितना मोटा आदमी होगा उतनी ही उसकी अक्ल का वजन भी ज्यादा होगा। तो इससे ये साबित हुआ कि जितना मोटा आदमी उतनी ही मोटी उसकी अक्ल। नहीं नहीं, आदमी मोटा और अकल मोटा। अब मोटा का अच्छी तरह से अंदाजा है। किसी ने बर्दस्ता कहा है कि तुम्हारे नाम से काशी का इतना बोलबाला है कि मोटे राम की महिमा से चारों सू जाना है। अरे शहर के सेठ और बनिए तुम्हें भगवान कहते हैं और तुम्हारी बेलगी करने को सब बेचैन रहते हैं पंडित जी। हो हो। अच्छा ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि हमको यहाँ कहाँ को बुलाया गया है। वाइस राय के दौरे की खबर तो आपने सुनी हो। अरे हाँ सुनी है, हम बहुत खुश हैं, हम खुद शामिल होंगे उनके स्वागत में। और शहर की समस्या भी आपके सामने है। समस्या? कौन सी समस्या? हड़ताल की खबर आप तक नहीं पहुँची? अरे यह सब तो कुछ गिने चुने पाखंडियों का काम है। हाँ सुनिए, फिर आप चाहे तो ये हड़ताल रुकवा सकते हैं पंडित। कैसे? शास्त्री जी बस यूँ समझ लो कि इस वक्त तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। ऐसा क्या? हाँ शायद ही किसी खुश नसीब को खुद अपनी किस्मत का ऐसा फैसला करने का मौका मिला हो। हाँ। ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहते। हाँ अलबत्ता ये तय है कि तुमने हड़ताल रुकवा दी तो मजिस्ट्रेट साहब जीते जी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जिंदगी भर तुम्हें किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बोले मजिस्ट्रेट साहब फरमाते हैं जो तुम्हें माला माल करते। ऐसा कहा शास्त्री जी? हाँ बस अब ऐसा व्रत ठानो कि शहर वाले थर्रा उठे। ऐसा प्रचंड अनुष्ठान करो कि जनता की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे। अपने थर्मा ग्रह के मुक्तर से सत्याग्रह का कच्चा घड़ा चूर चूर कर दो। अरे ये कोई ऐसा कठिन काम थोड़ा है खान बहादुर। इन हड़तालियों ने अभी पंडित मोटेराम शास्त्री का प्रताप नहीं देखा। अरे शास्त्रों में हर चीज का काट मौजूद है। इन हड़तालियों का परास्त करना हमारे बाएं हाथ की छिंगरी का खेल है खान बहादुर। मैं चाहूं तो चलती हवा को रोक दूं और रोकी को चला दूं और सूखे में बाढ़ ला दूं, सैलाब सुखा दूं और पत्थर को आब कर दूं, पानी को जला दूं और मुर्दा में जान फूक दूं, चट्टान गला दूं। और फिर ये तो बहुत मामूली काम है खान बहादुर। मैं ठान लू तो गेहूं के गिरते भाव को फिर से चढ़ा दूं और सोना का दाम काट दूं, चांदी को बढ़ा दूं। पंडित जी आप तो शायरी भी कर लेते हैं। अरे ये अंग्रेजी पढ़े लिखे महानुभाव समझते हैं कि जो काम हम कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। परिषद गुप्त विद्या तंत्र शास्त्र का बात है। और खुद हमें आपके जलवों की खबर आज तक न थी। अरे साहब मैं गुप्त धन का पता लगा सकता हूँ, पितरों को बुला सकता हूँ, केवल गुण ग्राहक चाहिए। अरे संसार में गुणियों का अभाव थोड़ा ही है, गुणज्ञों का अभाव है।
गुन ना हिरानो शास्त्री जी। हाँ भले से अनुष्ठान के लिए क्या भेंट कर रहा। अरे जौन आपकी श्रद्धा से कर दीजिए। अच्छा आप कुछ बता सकते हैं कि कौन सा अनुष्ठान होगा? मानसान व्रत के साथ मंत्रों का जाप करना होगा। सारे शहर में खलबली ना मचा दूं तो हमारा नाम पंडित मोटराम शास्त्री ना कहिएगा। तो फिर कब से? कब से क्या, अभी से। लेकिन देवताओं के आवाहन करने में थोड़ा धनवा दिलवा दीजिए ना। तो फिर हाथ मिलाइए मोटराम जी। मिला लीजिए फिर सारे शहर में खलबली मचा दूं, आम सभा की तैयारी करवाऊं। पंडित जी जरूर इसी वक्त कीजिए। लेकिन राजा जी पैसवा से बोलो कि साहब ने जो 1,000 रुपए का ठेली रखवाया था वो मंगाया है। साहेब क्या मैं पछवाए रहा था वहीं खड़े। साहेब 1,000 काफी होगा? ले लो ले लो, आप कहते हैं तो फिलहाल तो काफी है, बाकी बाद में। का जब एक जगह संगम हो जाए, शासक और पुजारी में जब गहरा गठबंधन हो जाए, शासक और पुजारी में जब हवन कर जे पिछली कौंधे प्रबल एक शक्ति जन्माए, सत्ता के हाथों में जैसे ब्रह्म अस्त्र को ही आ जाए, पंडित जी जब लड्डू आधा से रसगुल्ला खाऊंगा, फिर आधा से मलाई, ऊपर से आधा से बादाम की तह जमाऊंगा, और बची कुची कसर जो है ना वो मलाई वाला दही से पूरी करूंगा। फिर देखता हूँ भूख क्यों कर पास आती है। 3 दिन तक तो कांता ही ना ली जाएगी। और फिर 3 दिन किसने देखे, रात तक सारे शहर में खलबली मच जाएगी। कल दोपहर से पहले मैदान मर चुका हूँ। अरे अगर कल बाजार बंद ना हुआ तो समझ ले हम लोग माला माल हो जाएंगे, नहीं तो अपनी जेब से क्या जाता है, 2,000 रुपये तो आ ही गए ना। अरे भगवान अब हम कैसे टुकुर टुकुर का देख रहे हैं। वहां देख, नहीं देखा वहां देख, आ जा। भाग्य सूरज का उदय हुआ, आज से हमारा और राजसत्ता का एक नया बंधन स्थापित हुआ है। धर्म और राजनीति का यह समझौता एक ऐतिहासिक घटना है। अब यह समय आगा पीछा सोचने का नहीं है। सबसे पहले भोजन का प्रबंध करो, हलवाई के लौंडे को आवाज दो। हाँ डंडन 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 आओ, जिंदगी है यही। पंडित जी ने जमा के आसन
पूरी सेना जितना का है पूरी सेना और खटक के जीवी शर्माए उधर जाए क्यों बुलवाई है? हमारा तो कुछ समझ में नहीं आता सेठ जी। पंडित जी तो हमेशा राजनीतिक मामलों से अलग रहते थे नहीं? अरे मैं भी इसी कौतूहल में चला आया कि मोटे राम जी देश की राजनीतिक स्थिति पर आखिर क्या व्याख्या देंगे। भाइयों मुझे तो ताल्लुक पंडित जी ने जमा के अपन फिर इतने पकवान लाए कितना खाए पूरी से ना जितना खाए पूरी सेना और घटक कजबी शर्माए धर्म विरोधी कार्य होते देखता रहूं और कुछ ना कहूं
तुम सत्ता और द्रव्य के लोभी कुछ उपद्रवियों के बहकावे में आकर के अपने अन्नदाता आश्रयदाता भाग्य निधाता के विरुद्ध विद्रोह करोगे। बड़े लाट साहब के शुभागमन के अवसर पर आप लोगों ने हड़ताल करने का निश्चय किया है, यह कितनी शर्मनाक बात है। अरे वो चाहे तो तुम सबको तोपुआ के मुंह पे धौर के उड़वा दे। अरे लाट साहब है तो नहा सीठा नहीं आ, वो चाहे तो रेल का आना जाना बंद करवा दे, डाक खाना बंद करवा दे, माल का आना जाना बंद करवा दे, अब क्या करोगे। अरे वो चाहे तो अभी पकड़ के तुम सबको जलवा में ठूसते, तब क्या करोगे। अरे लौंडा है, तुमसे चैन से नहीं बैठा जाता है, जब देखो तब तिलबों किराई करता रहता है। अब देखो हमने तुम लोगों को चेतावनी दे दी है, अगर कल बाजार बंद रहा तो मैं यहीं पर अन्न जल बिना पुराणवा त्याग दूंगा। हम तो अरे पंडित जी, आपका प्राण निकलते निकलते तो 3 महीने से कम नहीं लगेगा, तो 3 दिन में क्या होगा भाई है। अरे मूर्ख है मूर्ख, अरे अरे शरीर में प्राण नहीं रहता, प्राण ब्रह्मांड में रहता है। और तुमने हमको किसी साधु महात्मा से काम समझ के रखा क्या। मैं महीनों अन्न जल बिना भूखा बैठा रह सकता हूँ। अब देखो हमने तुम लोगों को चेतावनी दे दी है, अगर हमरा कहा मानोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो नरक में जाओगे, ब्राह्मण हत्या लगेगी, ना तो इस संसार में मुंह दिखाने लायक रहोगे ना उस संसार में। अब देखो बस मैं यहीं पर अपना आश्रय। पंडित जी, पंडित, अरे 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 महाराज, अरे महाराज, आपने हम पर ये क्या कोप किया महाराज, आपकी जो आज्ञा हो हमारे सिर आंखों पर। अरे हम जानते कि आप सचमुच ये व्रत करने वाले हैं तो पहले ही हम आपकी विनती ना करते। मारे ऊपर कृपा कीजिए महाराज, 10 बजता है, हम आपका वचन कभी नहीं टालेगा। अरे यह मूर्ख इतना भी नहीं समझते कि हड़ताल से राष्ट्र की कितनी बड़ी क्षति होगी। अरे अब देखो बस मैं यहीं पर अपना आसन जमाता हूँ। अरे महाराज आपने ये हम पर कैसा कोप किया महाराज, अरे आपकी जो आज्ञा हो हमारे सर आंखों पर। अरे हमें पहले मालूम होता कि आप सचमुच ही अनशन ठानने वाले हैं तो हम पहले आपकी विनती ना करते। मारे ऊपर कृपा कीजिए महाराज, 10 बजता है, हम आपका वचन कभी नहीं टालेगा। अरे शहर के कुछ सर फिर नेता तुम्हारा मटिया मेट करके छोड़ेंगे। हाँ अरे खुद तो डूबेंगे सनम, आप सबको भी साथ ले डूबेंगे। अरे भाई कोई नौकरी छोड़ देगा तो आप ही भूखों मरेगा, सरकार को क्या। अरे कोई जेल जाएगा तो आप ही चक्की पीसेगा, सरकार को क्या। अरे ये मूर्ख इतना भी नहीं समझते कि इस हड़ताल से राष्ट्र की कितनी बड़ी क्षति होती है, पूरी विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ना जाने इन्हें क्या सनक सवार हुई कि दूसरा का अशगुन करने के लिए अपनी ही नाक काटे ले रहे हो। अरे तुम इन कुपंथियों के चक्कर में मत पड़, हमको पंथी नहीं है। अरे हाँ बेटा मालूम है तुम वामपंथी, बढ़ जाओ। अब बोलो कल बाजार बंद करोगे। महाराज जब तक शहर भर के आदमियों की पंचायत नहीं हो जाती तब तक हम इसका बीमा कैसे ले सकते हैं। और कहां ये नेता लेता हूं, मैंने न्यूज़ पर मचाई थी, तुम्हारा लोगों की मदद नहीं करेगा। कोई मदद नहीं करेगा महाराज। अब महाराज आप भोजन पाइए, हम कल पंचायत करके पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। आप ऐसा करिए कि आप कल पुनः पंचायत कर लीजिए, तब तक मैं पुनः यहाँ नहीं, मैं वहाँ पुनः अपना आसन जमाता हूँ। हम बताओ थे तुम लोग यहाँ पर काहे पर खड़े हो।
महाराज साहब का हुक्म है, हम क्या करें? हम कहते हैं यहाँ से चले जाओ। तो हाल कहे से चले जाओ? अरे नौकरी छुट्टी तो के हमका खवाई। अरे तुम नहीं जाओगे तो हम ही चले जाएंगे। हाँ अरे हम क्या कोई चोर डाकू जो हम कैसे घेरे खड़े हो? चले क्या जाइएगा, मजाल है। मजाल क्यों नहीं है बेटे? तो आशा लगा। हाँ हम जा रहे हैं रोक को। देखो हम बता रहा हूँ, रुक जा। हाँ ठीक ना हो, ठीक ना हो। हाँ। छोड़ दे बेटा, समझा रहे हैं। देखो साहब को चले तो पंडित मोटेराम शास्त्र से लोहा लेने के लिए। बड़ा नहीं जाए। कसरत से तो जैसे भूख जाग गई है, वैसे मैदान अभी बिल्कुल साफ है। हे भगवान, अपना इस भक्त की सुन लो और जल्दी किसी खमचे वाले को इधर भेज दो। लेकिन भगवान जरा जल्दी, कहीं मैं अचेत न हो जाऊं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ कि आप लोगों ने पेड़े तिल के लड्डू दालमोठ वाले की आवाज सुनी? क्या भगवान ने मेरी बिनती सुन ली? अरे ये कमबख्त तो इधर ही चला रहा है, लेकिन अगर इसने कहीं किसी से कह दिया तो कितनी बदनामी होगी, लोग तालियां बजाएंगे। ऐसी चतुराई से काम करना चाहिए कि किसी को कानो कान तक खबर ना हो। अरे ऐसे ही संकट के समय तो बुद्धि बल का परिचय मिलता है नू। ओके माता रे का जाना मत। अरे ये तो उधर ही मुड़ गया। ए पेड़े वाला भाई, ए लड्डू वाले आना। अदू सेया तालम बजे कहियो पांडाता जी कि आदू लगो आए ना भूख। कहियो पंडित जी कि आदू लगो आई ना भूख। अरे पंडित जी, ये अन्न जल छोड़ना तो साधु महात्माओं का काम है, आप जैसे बामानों को तो ये आधे ना वाले अनटा सनटा करना ही नहीं चाहिए। क्या बकता है, अनटा सनटा नहीं अनसन। और फिर तूने हमको किसी साधु महात्मा से कम समझ रखा क्या? अरे मैं महीनों अन्न जल बिना भूखा बैठा रह सकता हूँ वहाँ। अरे तुमको तो खाली इसलिए बुलाया है कि बेटा जरा अपना कुप्पी देना। हाँ हमको लगता वहाँ पर कोई सांप वाप ना हो। वहाँ तो बेटा दे कुप्पी दे। सारा तेल बिखर गया, अब क्या करूं? सारा काम चौपट कर दिया ना पंडिता जी। अभी तक दो बेटे का तोड़ा बेटा हुआ था, आप आने था कहाँ लगा पंडिता जी? अरे बेटा अब हाथ ही तो है, अब भूख के मारे हाथ से छूट गिरी तो क्या हाथ काट डालूं? अब तू एक काम कर, सुन 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 ये पैसे ले और सुन लपक की इसमें थोड़ा तेल भरवा लो। चल चल बेटा चल। अरे खोचा कहाँ लिए जाता, क्या लौट के नहीं आएगा क्या? आधा का ये तू आंजल। अरे बेटा खोचा इधर रखे जा और लपक की इसमें थोड़ा तेल भरवा लो। हाँ अब देखो अगर हमको कहीं किसी सांप वांप ने काट लिया तो ब्राह्मण हत्या तुम्ही पर पड़ेगा ना। हमको लगता है वहां पर कोई जानवर है जरूर। वह देख वो रिंग रहा है, वो गायब हो गया। जा बेटा जा लपक के थोड़ा तेल भरवा लो। चल 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 चल। वो देख वो रिंग रहा है, वो गायब हो गया। जा पट्टे जा लपक के थोड़ा तेल भरवा। चल 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 चल। अच्छा अच्छा डरते हो, अपना पैसा ले जाओ, ले जाओ बेटा ले जाओ। अरे वेली जी अबे इतना भी शर्मिंदा मत करो। करेंगे जाओ।
धक करी के कितना कम माल है इसमें, किसी भी चीज से दो अदद से ज्यादा लेने का गुंजाइश ही नहीं। इतने से क्या क्या होगा, केवल भूख और तेज हो जाएगी, गुनाह बेलज्जत। लेकिन फिर भी कुछ तो ढाढ़स होगी ना। आहार कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, पर है तो आहार। अरे ये कमबख्त कितना जल्दी लौट आया, देखो ना कैसा मोटर गाड़ी जैसा दौड़ा चला। अब क्या करूं इसको, फिर तो खा लेता। लीजिए पंडित जी, देखा लीजिए, चले तो हैं आंटा चांटा कराने, पारा जाने से इतने नहीं पारा। अरे पंडित जी, आज ही आपका को किसी धापा वापा ने काटे भी लिया, तो जैसा लाता ने आपा को यहाँ बैठा है, वही आपा के बच्चों की बारह बारह सती भी करे देगा पंडित जी। अरे पंडित जी, आपे को भी जाने का बेटा सारे सरकार की पक्ष लेने की पड़ी थी। अरे दोपहर बाद पंचायत बैठेगी, रात तक तो चुतेवा हो पाएगा पंडित जी। साला, मैं जवाब नहीं दे पा रहा था तो कम वक्त वकवक कर गया। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैं मरते मरते बचा हूँ। बेहतर पंडित मुल्ला महिला तो बेहतर टीचर वकील नाई दर्जी सग रे यार, तो बेहतर टीचर वकील नाई दर्जी सग रे यार। एक पक्ष था सेठों का और दूजे में बाकी समुदाय, वकील नाई दर्जी सगरे ही यार। एक पक्ष था सेठों का और दूजे में बाकी समुदाय, रात तलक पंचायत बैठी समझ ना आया। नतीजे के निकट भी नहीं पहुंचे हैं। मामला पॉलिटिक्स का है,
लेकिन बीच में धर्म ज्ञान घुसा है। यही तो है छिद्रा। शहर के विभिन्न जमातों के प्रतिनिधियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ आकर अपनी बात आप सब कहें, ताकि हम सब मिलजुल कर किसी नतीजे के निकट पहुँच सके। बोलिए, मंजूर है? तो सेठ जी आइए, आप ही पूरे व्यापारिक समुदाय की ओर से बोल दीजिए। बंधुआ, मारा पास तो बोलने के बाद से एक अच्छी बात है, और वो बात को भूल जाने से तो कहीं ना कहीं दस बार बोल चुका हूँ कि मारा पूरा व्यापारी समुदाय की राय में जो एक धर्म का मामला है, एक धर्म नीति जानो मानो विद्वान ब्राह्मण। ये धर्म का नहीं, राजनीति का मामला है, समझे? बोलिए बोलिए सेठ। मारा ऊपरे अंजन त्यागी हो, वो नहीं मरेगा, लाट से पैसे खा रहा है वो। मारा ऊपरे अंजन त्यागी हो है, और उनको कहीं होगी हो? कहीं होगा भाई, कछु नहीं हुई है। अरे भैया, काहे का विद्वान, हमसे पूछो। चले गए लड़के, तुम्हारे बाद में कट। व्यापारी, आइए आप ही पूरे व्यापारिक समुदाय की ओर से बोल दीजिए। बंधुआ, हमारा पास तो बोलने के बाद से एक ही बात है, और वो बात को भुंसारे से तो कहीं ना कहीं दस बार बोले चुके हूँ कि हमारा पूरा व्यापारी समुदाय की राय में जो एक धर्म का मामला है, एक धर्म निष्ठ जानो मानो। आइयो, ये धर्म का नहीं, राजनीति का मामला है। एक धर्म निष्ठ जानो मानो विद्वान ब्राह्मण। अधिकार है का विद्वान, हमसे पूछा एक धर्म निष्ठ जानो मानो विद्वान ब्राह्मण, मारा ऊपरे अंजल त्याग दियो, और उको काई हो भी हो लाख पैसे गोरे। अरे उको काई हो भी हो ना, तो एक ब्राह्मण की हत्या मारा ऊपरे लगेगी, और शहर को पूरा व्यापारी समुदाय शहर को पूरा व्यापारी समुदाय जो बाप अपने सन लेने को हर की तैयार नहीं हो। दो बेटे, आया बेटा, चालो बेटा, बोल सेठ जी, आप लोगों ने क्या धन का इजारा ले रखा है? अरे पंडित जी भी आ बैठे हैं। पंडित जी जरा समझाइए इन्हें, कहिए बताइए, इन्होंने जो कुछ कहा उसके बारे में भी समझाइए जरा इनको। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पंडित मोटे राम जी को इस प्रकार राजनीति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पंडित है, पूजा पाठ करे, कर्मकांड करे, पर धर्म और राजनीति का ऐसा अनैतिक और अवसरवादी घाल में वो नहीं करे। ये मजहब और सियासत, ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग रहे तो अच्छा है, क्योंकि मजहब के लिए भी, सियासत के लिए भी, और फिर जाहिर है आम के लिए तो अच्छा है। तो हड़ताल के बारे में आप ही कह रहा है? भाई हमने बताया तो, हम मजहबी लोगों को सियासत में ना ही घसीटो तो अच्छा है, क्योंकि ना तो हम हड़ताल की हिमायत करते हैं और ना मुखान। तो ऐसे मौके पर आपको साथ साथ पोजीशन लेनी चाहिए। अरे मियां, वही बात है, कम से कम हड़ताल की मुखालफत तो नहीं कर रहा ना। बस तो फिर भाइयों, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। एक बार बोल चुके, अब चुपचाप बैठे रहिए। आप सब कह रहे हैं, सारा नगर कह रहा है, और सच पूछिए तो मेरा भी यही मानना है कि पंडित मोतेराम शास्त्री लाट से घूस खाकर के स्वांग कर रहे। अरे मान गए, मान गए, सेठ जी मान गए। सेठ जी यही बात सुबह कह देते तो कब का फैसला हो गया होता। बैठो, पहले तो ये पूरी बात सुन लो। ये सही है कि पंडित मोतेराम शास्त्री लाट साहब से घूस खाकर स्वांग कर रहे हैं, लेकिन इससे उनके शरीर पर पड़ने वाला कष्ट कम तो ना हो जाएगा? आपको अरे पाखंडी को कष्ट हो या चूल्हे भाड़ में जाए, हमें क्या? अरे इन सेठों की बस्ती में तो इंग्लिश बसता है, इनसे तो भगवान ही बचा है। सुनो भैया, सेठ जी बहुत दूर की कोड़ी लेके आए। अब आप लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो हम चले जाते हैं, फिर ना कहिएगा कि भाई पंचायत चूक कर चलेगा। अरे भाइयो, सेठ जी क्या कहना चाहते हैं, इनकी बात भी जरा सुन लो। हम सबसे यही एक बात कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण हम जैसे
सड़कों पर अपना दाना पानी छोड़ दे और हम पेट भर भोजन कर चैन की नींद सो जाए। अरे वो कुछ भी है तो ब्राह्मण ही। अगर इसका ये काम धर्म विरुद्ध है तो उसको इसका दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन वो दंड देना हमारा काम तो नहीं, वो काम प्रभु का है। हमारा काम है कष्ट सह रहे ब्राह्मण की मदद करना। इस कर्तव्य से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। बोलो। इस शहर के ज्यादातर बाशिंदे इस हड़ताल के हक में हैं। आप इन सब की बात न सुनकर एक ऐसे आदमी की मक्कारी को अहमियत दे रहे हैं जिसे आप खुद पाखंडी और अंग्रेजों का दावा मानते हैं। एक ऐसा आदमी जिसके विरोध में उसके पंडित समाज तक ने प्रस्ताव पास कर दिया, ये कहां का न्याय है भैया? ये कैसा धर्म है? अगर आप लोग इस करने में आ गए तो धर्म और राजनीति के गठबंधन पर हमेशा के लिए मंजूरी का टप्पा लगा देंगे। अरे ये हमें कह रहे हो? हमने? अरे हम तो सबसे पहले से यही बात कह रहे थे, बल्कि हम तो डेलीगेशन लेकर कोतवाल साहब के पास भी गए थे और हमने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हड़ताल तो होगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ब्राह्मण की जान का सवाल है, वो कुछ भी हो है तो ब्राह्मण ही, उसका ये कष्ट हमसे नहीं देखा जाता। उसकी हत्या का पाप सिर पर लेना तो दूर, ये धर्म विरुद्ध काम हम नहीं कर सकते। सेठ जी, ये आपका आखिरी फैसला है? ऐसा ही समझ लीजिए। अरे जब घर से ही फैसला करके आए थे तो पंचायत बुलाई क्यों? ब्राह्मण की जान तो एक बहाना है। अबे जब घर से ही फैसला करके आए थे तो पंचायत बुलाई क्यों? हाँ सही बात है, क्यों बुलाई पंचायत? के अलावा इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, ब्राह्मण की जान तो एक बहाना है। अरे पंडित जी, लाले जी कहाँ यार, माता पति कह दीजिए अपन तो घर चलेंगे। अच्छा जरा सुनना, एक मिनट सुन, बात हमें बताते तो जाइए, आपका फैसला क्या? बता तो दिया। क्या मतलब? हम समझे नहीं पूरी तरह आपकी बात। क्या पंडित को खाना खिलाने जा रहे हैं? अवश्य। मतलब आप हड़ताल में शरीक नहीं होंगे? वही बात। अरे भले आदमी, पंडित जी कहते तुम हड़ताल करो, मैं अपना अनशन तोड़ता हूँ, तो यहाँ इतनी बहसा बहसी की नौबत क्यों आती? हम पंडित के पास जाए और उन्हें समझाए तो? अरे फिर वही बात करता है। अरे हम तो पहले से कह चुके हैं कि ये सब कुछ करके हम देख चुके हैं। पंडित जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पंचायत के फैसले के बाद उन्हें आश्वासन दिया जाए, वो भी लिखी, कि हड़ताल नहीं होगी, तभी वो अपना अनशन तोड़ेंगे, अन्यथा नहीं। सेठ जी, आप हमारे समाज के अगुआ, आप जो भी फैसला करें हमें मंजूर है। तो दरअसल मैं भी आपके साथ वहां चलना चाहता हूँ। अब मुझे पंडित जी से एकांत में 10 मिनट कुछ बातें करनी थी। और जब तक मैं बातें करूं तब तक आप लोग फाटक पर खड़े रहिएगा, और जब मैं बाहर जाऊं तो अपन जैसे रहिएगा। इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है? आप अवश्य जा सकते हैं, हमसे पहले जा सकते हैं। तो मैं निकलता हूं। अवश्य। अरे अरे आ
लीजिए, यह आज भी जाती रही। अगर आज रात तक फैसला ना हुआ तो कल तक मैं भूतपूर्व भी हो जाऊंगा। खड़ा होता हूं तो आंखें तिल मिलाने लगती है, चक्कर आने लगता है, पेट का भीतर बैठे जैसे कोई कुरेद रहा है। न जाने वो सुबह घड़ी कब आएगी। अब देखिए, रोज इस समय हम भोजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करते थे, पर आज यह हाल है कि अभी तक मुंह में जल तक नहीं गया है। अरे बुरा हो इन अंग्रेजों का, बुरा हो इस अंग्रेजी सरकार का, नरक में जाए बनारस के सभी नगरवासी, संसार के सारे नेता जहन्नुम रसीद हो जाए। फिर कोई आ रहा। अरे अरे वो कमबख्त भी उधर ही मुड़ गया। अरे हमारी पंडिताइन सही कहती थी, अरे आप तो नसीहत देकर अलग हो गई और हमको भूख मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। रात को भर पेट खाकर खटिया पे चरचरा के सोई होगी, सवेरे भी डट कर नाश्ता किया होगा, और अब तक तो दोपहर का भोजन भी कर चुकी होगी, लेकिन इधर भूल कर भी न झाका। अरे हालचाल पूछने के बहाने तो आ सकती थी ना, इसी बहाने थोड़ा सा मोहन भोग हलवा बना कर ले आती, लेकिन उस ससुरी को इसकी भी चिंता नहीं है। अब देखो एक और आदमी हमको सताने के लिए इधर ही चला रहा। आओ बेटा आओ, आओ। जो उन काम के लिए निकले होता उन काम के लिए बढ़ जाना। रास्ते में एक ब्राह्मण मर रहा है, इससे तुम्हें क्या, उसका हाल चाल तक मत पूछना, बस आगे ही आगे, आगे ही आगे बढ़ते चले जाना, जैसा कि दुनिया का दस्तूर है। बस अब मैं इधर देखना ही बंद कर देता हूँ ऐसे करके। व्यर्थ ही मन को कष्ट होता है नू। अरे थोड़ा ही देर की तो बात है, थोड़ा ही देर में हमारे प्राण पखेरू उड़ जाएंगे। समस्त संसार वासियों को पंडित मोटेराम शास्त्री का प्रणाम। पंडित जी चाले तुम समस्त संसार वासियों को पंडित मोटे राम शास्त्री का प्रणाम। पंडित जी चाले तुम। शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी, अरे यहां कब तक पड़े रहिएगा? अब देखो यार कब निश्चय होता है। यहाँ कोई निश्चय ना होगा, आज दिन भर पंचायत हुई पर कुछ तय ना हुआ। हाँ? अब कल कहीं जाकर लाट साहब आएंगे। अरे तब तक तो न जाने आपकी क्या दशा होगी। आपका चेहरा तो एकदम पीला पड़ रहा है। अब यार यही मरना पता होगा तो कौन टाल सकता है। दोना में कलाकंद क्या है, तरह तरह की मिठाइयां है। एक नातेदार के यहाँ बैना भेजने के लिए विशेष रीति से बनवाई हुई मिठाइयां। जबीन में इतना सुगंध है, जरा दोना खोलिए ना।
सबसे महंगी मिठाइयां हैं पंडित जी शहर की। अच्छा तब तो बहुत श्रेष्ठ होंगी। हाँ ए बेटा, हमने बहुत दिन बाद कलाकंद नहीं खाया। पंडित जी हाँ, आपने भी बैठे बिठाए झंझट मोल ले लिया। क्या करूं यार, फंस गया हूँ। जब शरीर में प्राणी ना रहेंगे तो धन क्या काम आएगा। अब क्या करूं यार, मैं फंस गया। अब देखो ना, रोज इतना मिठाइयों का तो मैं जल पान कर जाता था। भोला की दुकान की है ना। तो चखी ना दो चार। क्या चखूं, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ बहुत। अरे आपको काहे का धर्म संकट। मनुष्य का धर्म संकट तो आपने कुछ और ही बाँचा था। ऐसा तो बाँचा रहा। अब क्या करूं यार, भूख के मारे सब भूल गया हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। याद कीजिए, होली के दिन गंगा तट पर आपने क्या प्रवचन दिया था। होली के दिन गंगा के तट पर। अब क्या करूं यार, भूख के मारे सारा दिमाग जो ना पेटुआ में ढुक गया है। ये बेटा सुन, एक काम करो ना, वो जो हमने प्रवचन दिया रहा ना, जरा तुम ही सुना दो ना हमारा स्टाइल में। हमारा स्टाइल बड़ा डिसेंट है ना, उसी स्टाइल में जरा रिप्रोड्यूस कर दो। सुनिए सज्जनों, आपको याद है कि जब ब्रह्मा ने इस असार संसार की रचना की तो ब्राह्मणों को अपने मुख से निकाला। बिल्कुल। जब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले तो मुख शरीर का सबसे श्रेष्ठ भाग हुआ। बोल 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 बेटा बोल। अतएव मुख को सुख देना प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है। बिल्कुल बोल बोल, याद आ रहा याद आ रहा। बिल्कुल, मुख को सुख देने के लिए सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है उत्तम स्थान। अरे वाह बेटा, क्या रसगुल्ला जैसा बात बोला। बोल आगे, बोल बोल बोल। और आप जैसे ब्राह्मणों को जो मिष्ठान खिलाएगा वो ब्रह्मा के मुख को सुख देने वाला पात्र कहलाएगा। अरे बिल्कुल कलाकंद जैसा बात बोला। जो खाएगा वो तो स्वर्ग जाएगा ही, और जो खिलाएगा उसका स्वर्ग तो निश्चित हो ही जाएगा। तो महाराज बोल बोल, काम कीजिए। बोलो बेटा, आप तो ये मिष्ठान पाइए। बिल्कुल, वरना आपका और मेरा दोनों का स्वर्ग निश्चित कराइए और मनुष्य का परम धर्म निभाइए। अरे बेटा तू खड़ा, बिल्कुल कलाकंद जैसा बात करता। खड़ा जान, तेरा घोड़ा धर लेते। खड़ा ना खड़ा, छोड़ लेते खड़ा। मार में गया तो मैं खा लेता। जी आइए। अरे महाराज, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। अरे मत स्पर्श करिए, मैं बिजी हूँ अभी। अरे हम तो आ ही रहे थे, आपने नहक इतनी जल्दी कर दी। अरे ऐसी जुगत बताते कि आपका अनशन भी ना टूटता और कार्य भी सिद्ध हो जाता। अरे हमारा कार्य तो सिद्ध हो गया है। यह परम अलौकिक आनंद है जो धन के ढेरों से प्राप्त नहीं होता है। अरे भाग रे पागल कुत्ता। Yeah.
सत्ता की नाव किनारे धर्म लगा देगा सत्ता की नाव किनारे राम लखन सीता हनुमान है साथ हमारे राम लखन सीता हनुमान है साथ